हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सबको नमस्ते और प्रणाम। ये है सुबह सुबह का टाइम, देख सकते हैं आप। धुंध इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। धूप नहीं निकलती, 2-3 दिन हो गए, तो देख सकते हैं सर्दी बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो हम आज बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। ये देखिए, ये मैं अपना नहीं बना रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, मैं उसका बना रही हूँ। मैं और वो दोनों लगे हुए हैं एक साथ, तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। बातें करते करते अपना काम कर रहे हैं, और मुझे एक काम और भी करना है, और वो काम है ये एक डोरमेट बनाया था मैंने पहले, तो ये टोपी का आकार का बन गया था, जैसी टोपी होती है वैसे बन गया था, यानी इसमें गिर गया था झोल। तो मैं अब इसको सारे को दोबारा से उधेड़ कर दोबारा बनाऊंगी, सारे को उधेड़ना है और उसके बाद दोबारा से शुरू करना है मुझे। ये देखिए, मैं अब यहाँ से उधेड़ना शुरू करती हूँ, और जो चालू करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं उसे दोबारा से या बार बार करके उसे ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मैं आलस्य नहीं करती। तो ये देखिए, मैं दोबारा से चालू कर दिया है। पहले तो मैंने शुरू से बीच से शुरू किया था और ओड़ में ख़त्म किया था, अंत में छोर होता है उस वहाँ पर ख़त्म किया था। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो चारों तरफ का घेरा होता है वो वहाँ से शुरू किया था और बीच में ख़त्म किया। तो ये देखिए, मैंने पूरा सील दिया है, सीलने के बाद ये ऐसा तैयार हुआ है। अब इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, यानी टोपी के आकार का नहीं है, ये मैंने बना कर तैयार कर दिया है। ये देख सकते हैं, मेहनत तो लगी, 2 बार किया मैंने। पहले किया तो उसमें झोल आ गया था, अब दोबारा से किया तो ठीक हो गया। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन काम अच्छे से हो जाता है। और अब है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। ये जा रहे थे दुकान पर, तो मैंने बोला कि 2-4 चोट लगा दो, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चोट लगाने लग गई बाजरे की खिचड़ी में, और मैं इसको फटक के इसके बोर को बाहर निकाल दिया और 2 बार इसकी कुटाई की। कूटने के बाद अब इसको बना देती हूँ। इसके अंदर डालूँगी चने की दाल, मिक्स दाल है वो दाल, और चना साबुत, और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। तो ये सब डाल दूँगी। डालने के बाद इसमें क्या करूँगी, जो बूर था वो छान लेती हूँ, आटे को छान के, और मैं कुकर में सीटी लगवाती हूँ इसके, और ये लगता भी नहीं और परफेक्ट बनता है। 1 चम्मच तेल भी डालती हूँ इसके अंदर, और खाने में इतनी टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए, बनकर हो गई है तैयार। मैंने कुकर में ही सीटी लगवाई इसकी। ये देखिए, चने हैं इसके अंदर, वो भी गल चुके हैं और अच्छी तरह से बन गई है। अब ये है दूसरा दिन, तो आज है तिलकुटी यानी संकट चौथ। तो यहाँ पर बनाए थे मैंने तिल। तिल को अच्छे से भूना, भूनने के बाद इसको पीस लिया, और इसमें कोकोनट पाउडर भी डाला मैंने, और ऊपर से डाल दी खांड। तो खांड डालने के बाद मिला देती हूँ मैं, और मैंने पूजा की जो विधि थी वो नहीं रिकॉर्ड की, मैं नहीं बना पाई, तो जितना भी था यही था। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। ये देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका लड्डू भी बनाते हैं, लेकिन मैंने लड्डू नहीं बनाया, ऐसे खुला छोड़ दिया। ये देखिए।